बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारी मर्जी के लफ्ज बोलूं, मैं अपनी सोचों के दायरे को तुम्हारे जूतों के ताबे कर दूं। कहा लिखा है वो एक अफसर जो खुद सरी में खुदा बना है, मैं उसको पूजूं और सर झुका दूं। कहा लिखा है वो एक मुनसिफ जो खुद नुमाई में गर्क अंधा, मैं उसकी ख्वाहिश पे सर गिरा दूं। कहा लिखा है वो एक गासिब जो बूट चाटे और वोट भेजे, मैं उसको अपना अमीर मानूं और जाल उठा दूं। कहा लिखा है, कहा लिखा है। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आपके सामने अपने लीडर इमरान खान का पैगाम लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले जो दो साल में पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म हुआ, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, लेकिन इसकी भी मिसाल नहीं मिलती जिस अंदाज से इस रहमान कौम ने उस जबर का मुकाबला किया। मेरे पाकिस्तानियों, तारीख ने लिखा कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान पर अपनी मुल्क की खुद मुख्तारी और खुददारी पर समझौता ना करने और कौम की हकीकी आजादी के खातिर बदतरीन जबर किया गया, तो तारीख ने यह भी लिखा कि इस कौम की खातिर किसी ने इतना अजम हौसले से मुजाहिमत भी कभी नहीं की। तारीख ने लिखा कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के ख्वातीन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, लेकिन तारीख ने यह भी लिखा कि वो ख्वातीन असल सनफ आहन है। तारीख ने लिखा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और उनके अहलकाना पर जहनी और जिस्मानी तशद्दुद हुआ, इसके बावजूद तारीख ने उनको मुजाहिमत का इस्तियारा करार दिया। मेरे पाकिस्तानियों, मैं अपने कारकुनान से अब मुखातिब हूं। इमरान खान की टीम है, पीटीआई का कौमी सतह के क़यादत से लेकर विलेज कौंसल के कारकुनान तक इमरान खान के नजरिए के वारिस हैं। कौमी सतह की क़यादत से लेकर विलेज कौंसल तक इमरान खान के नजरिए के अमीन है। आज जब हमारा लीडर इमरान खान जेल में है तो हम सब पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है उनके नजरिए के तहफ्फुज की, उनकी 28 साल जदोजहद को शर्मिंदे ताबीर करने की और उनके कौम की उम्मीद को कायम रखने की। इसलिए मैं अपने कारकुनान से गुजारिश करता हूं कि इसको मेरी दरख्वास्त समझे कि अब कि ऐसा नहीं करना यार, किसी जालिम, किसी गासिब, किसी कातिल के लिए खुद को तकसीम न करना। मेरे प्यारे लोगों, मैं अपने कारकुनान से यह भी दरख्वास्त करता हूं कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का हर पोस्ट, तहरीक के तर्जुमानों की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक शो, क़ियादत से लेकर कारकुनान तक का हर एहतिजाज और मुंतखब अरकान असेंबली का हर इजलास में शिरकत, इसका आज से एक ही मकसद होना चाहिए कि इससे कास को कितना फायदा पहुंचेगा। इसका एक ही मकसद होना चाहिए कि जो आज हमारी क़ियादत इमरान खान समेत हमारी ख़वातीन कारकुनान और मिलिट्री कस्टडी में तहरीक के कारकुनान, उनकी रिहाई से इसको क्या फायदा पहुंचेगा। और आज से हमारा हर टॉक शो, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर इजलास, हर पोस्ट, हर एहतजाज इस गरज से होना चाहिए कि इससे हम अपने कास और अपने मकसद और हकीकी आजादी हासिल करने के कितने करीब पहुंच रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान का
पैगाम आज आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। इमरान खान ने पैगाम दिया है, मेरे पाकिस्तानियों, हम इस वक्त बदतरीन गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। हमारा हर इदारा और हर महकमा गुलाम बना दिया गया है। जो इस गुलामी के खिलाफ खड़ा होता है उसे निशाने इबरत बना दिया जाता है। मेरे पाकिस्तानियों, गुलामों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, इसलिए मेरी सारी जदोजहद अपने मुल्क के बेहतरीन मुस्तकबिल और कौम को हकीकी आजादी दिलाने के लिए है। मेरा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका लीडर इमरान खान अल्लाह के सिवा न किसी के सामने झुका है और न अपनी कौम को कभी झुकने देगा। मेरे पाकिस्तानियों, इंशाल्लाह हम हकीकी आजादी हासिल करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, फाइनल राउंड का आगाज हो चुका है और आपका कप्तान डट के खड़ा है और मुझे उम्मीद है कि मेरी कौम भी इंशाल्लाह मेरा साथ देगी और वो भी डट कर मुकाबला करेगी। इमरान खान, तो मेरे पाकिस्तानियों, क्या इमरान खान के साथ मिलकर इमरान खान के ख्वाब को आप पूरा करोगे? मेरे पाकिस्तानियों, क्या आप डट कर हकीकी आजादी की जदोजहद करोगे? क्या आप अपने लीडर इमरान खान के साथ आखिरी दम तक खड़े रहोगे? तो मेरे पाकिस्तानियों, आओ तजदीदी अहद करते हैं जो इस कौम ने अरशद शरीफ के साथ मिलकर किया था। मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने, चाहे कोई लाइव इसको देख रहा है या जब से मैं शरीक है स्टेज से लेके आखिर तक, आप सब ने हाथ उठाकर मेरे साथ हल्फ लेना है। सब हाथ उठा के आवाज बुलंद आपने ये मेरे साथ हल्फ पढ़ना है। मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूं। ये जमीन, ये लोग मेरे हैं, इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जमाते हैं। मैं अहद करता हूं कि मैं हर वो शख्स या इदारा, ख्वा अंदरूनी या बिरूनी, जो इस मुल्क के खिलाफ काम करेगा या इसके कानून को तोड़ेगा, उसके खिलाफ बिला बिरादरी, जबान और मजहब के तमीज के अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी, इसका मालिक, इसकी बका का हतमी जामिन हूं। पाकिस्तान, इमरान खान, पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता।